हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर राहुल शर्मा। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है फेमस डल झील। आज के दिन मैं देखकर आया हूँ परी महल और अपना चश्मे शाही बाग और शंकराचार्य टेंपल। अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब मुझे जाकर पता चला कि कश्मीर को स्वर्ग क्यों कहते हैं। हेलो एवरीवन, सो दिस इज डे 7 और श्रीनगर में हमारा लास्ट डे। आज हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम, एक इमेज होती है इस जगह की आपके दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा। बट जितना खूबसूरत कश्मीर है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, ये मुझे जानने को मिला। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं शंकराचार्य टेंपल। अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर कैसा है। So 265 stairs you have to climb. The weather seems nice, so you can walk easily. नेहा के लिए स्लोली, मैं थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ बट आराम से ही चलेंगे बिकॉज बीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बीवी को हमेशा साथ लेके चले। अगर यू आर कमिंग टू माउंटेंस थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, स्पेशली जब स्नो में जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जितना भी मुझे पता चला, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 371 BC एंड इट वॉज बिल्ट बाय राजा गोपादत्या। एंड इस मंदिर का पहले नाम था गोपादारी, सो इट वॉज कॉल्ड गोपादारी बिफोर शंकराचार्य टेम्पल। वाई इट इज़ कॉल्ड शंकराचार्य टेम्पल, बिकॉज शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी यूज टू कम हेयर एंड मेडिटेट अलॉट एंड ही यूज़ टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम्स, बहुत सारा समय उन्होंने अपना यहाँ बिताया, तपस्या की, और इसीलिए लोगों ने इसका फिर नाम रखा शंकराचार्य मंदिर। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि द एल्कॉन हुन किंग मिहिरा कुला ने बनवाया था और वो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने भगवान शिव को समर्पित किया था। The view from the temple is so beautiful that when you stand and look at beautiful Srinagar, you will be amazed by the beauty of it. जो झेलम रिवर है वो सांप की तरह एक बहती हुई नजर आती है और वो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देती है। सो दिस इज शंकराचार्य टेम्पल। ये शिवलिंग है, बेसिकली शिव जी का मंदिर है। लिटरली जब आप यहाँ आओगे तो वो जो पीस है, वो शांति है, वो महसूस कर पाओगे। जब आप यहाँ नीचे शंकराचार्य जी का तप स्थल है वहाँ पर जाएंगे, अंदर बैठेंगे थोड़ी देर, तो यू कैन फील द पीस और अचानक से शांत हो जाता है मन। दैट्स व्हाट यू कैन डू। दिस इज इट फ्रॉम शंकराचार्य टेम्पल।
taken this in this pictures. Yes, सो डन विद शंकराचार्य टेम्पल. अब कहाँ जा रहे हैं आमिर? अब हम जा रहे हैं परी महल. परियों के महल जा रहे हैं, चश्मे शाही परी महल. So this is the security check-in where you have to put your luggage. They'll scan everything and then Shahi. Neha is just hating the stairs. And I am just loving them because it's a good cardio. And इतने दिनों में exercise हो नहीं रही है तो exercise भी हो जाएगी इसी बहाने. Here I present you चश्मे शाही. तो चश्मे शाही ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा और इसे बनाया था अली मर्दान खान ने 1632 में. Spring water. Finally tasted this water. It's very nice, huh? तो चश्मे शाही बेसिकली फेमस है यहाँ के इस स्प्रिंग वाटर के लिए. स्प्रिंग वाटर है ये. स्प्रिंग वाटर पीछे पहाड़ों से आ रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं उनका मानना है कि ये बड़ा होली वाटर होता है, बड़ा पवित्र पानी है. तो जब भी आओ कुछ एक याद जरूर साथ में लेकर जाओ, ऐसा मेरा मानना है. मेरे चैनल का नाम है शुवेर व्लॉग कश्मीर और मेरी पहली व्लॉग यही की है चश्मे शाही की. मैंने बताया यहाँ के बारे में, नेहरू जी के लिए यहीं से एक दिन पानी जाता था हवाई जहाज से, वो रोज यहीं से पानी मंगाते थे. यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की खासियत मैंने बताई ना, पानी बहुत अच्छा है. अगर आप अभी खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, बस झट से आपको भूख लगने लगेगी, लीवर आपका अच्छा हो जाएगा और तमाम अंदर का अलायंस ठीक रहता है यहाँ का पानी पीने से. सो ये था चश्मे शाही. अब हम कहाँ जा रहे हैं? परियों के महल. सो नाम है परी महल. पहले हूर की परियां होती थी. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब परियां नहीं मिलती है. और इसी पे मुझे पीछे से पड़ी, ऐसा क्यों? लेकिन नेहा मुझे अकेला छोड़ दो यार थोड़ी देर. तो नेहा बोल रही थी मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी, कहीं कोई परी मिल गई तो देख के भाग जाए. They asked few people यहाँ पे कि why it is called परी महल. Nobody answered. इसका नाम परी महल क्यों पड़ा? ये पुराने लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इसकी हेवनली लोकेशन की वजह से नहीं, ये कितना खूबसूरत है उसलिए नहीं, बल्कि कुछ ईवल मैजिशंस थे जो राजकुमारियों को यहाँ कैद करके रखते थे
और इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो परी महल पड़ा। इट्स वियर्ड बट इट इज़ व्हाट आई फाउंड। इसका व्यू इज़ फिनोमिनल। जितने भी व्यूज़ मैंने आपको दिखाए हैं इस वीडियो में, चाहे वो शंकराचार्य टेम्पल हो चाहे यहाँ का व्यू हो, जब आप यहाँ एक्चुअली में खड़े होंगे और देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एंडिंग माई कश्मीर ट्रिप एट दिस प्लेस। दिस इज़ परी महल और यहाँ पे सबसे अच्छा फ़ोटो का क्लिक करने का पॉइंट है यहाँ पर बीच में सेंटर में, बिकॉज नीचे जाएंगे थोड़े से पेड़ हैं यहाँ पर। एंड देन दिस मिडिल पॉइंट इज़ गुड, टॉप व्यू इज़ गुड बट नॉट दैट गुड। You can click pictures and videos, make some fun reels. That's it from Pari Mahal. Thank you so much. Start bhi yahin se kiya tha, end bhi yahin karunga video ko. So this is it from Kashmir. Thank you so much for watching my vlogs. I love you all. Stay safe, stay blessed. Keep on watching, your Rahul Sharma.